ठीक है। ठीक है बाबू, ठीक है सर। देखो आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, क्या पढ़ा रहे थे? सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे थे, है ना? क्या पढ़ा रहे थे बाबू? सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे थे, है ना? ठीक है सर। अब सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे थे बाबू, सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे थे, ठीक है ना? तो सब्ट्रैक्शन में 26 नंबर क्वेश्चन हो गया था, हम लोग 27 से कंटिन्यू करेंगे, है ना? 27 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो बाबू 27 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? तो अभी दो डिजिट वाला किया, अब मान लो तीन वो रहेगा, चार वो माइनस में रहेगा, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? ठीक है, ठीक है। देखिए प्रखर बाबू, 27 नंबर बाबू, 27 नंबर रोमन में दे दें कि डिजिट में दे दें? डिजिट में दे देते हैं ना बाबू, ठीक है। जैसे आप क्या रहेगा बाबू, -2 है सर, -2 है सर, -2 है, -2 है ना? ठीक है, ठीक है। तो बाबू अगर ऑल सभी डिजिट बाबू, शैतान शांति से सुनो, लिखने का टाइम देंगे बाबू, लिखना, ठीक है ना? अभी शांति से सुनो आराम से, ठीक है सानवी, शांति से सुनिए बाबू, सानवी बाबू, है ना? सुनाई दे रहा सानवी? सानवी सुनाई चलिए, ठीक है, ठीक है। अगर बाबू देखो क्या, -2 -2 -2 है ना, तो बाबू अगर माइनस बाबू क्या रहेगा, कोई भी डिजिट है बाबू, अगर क्या रहे, सभी का सभी माइनस रहे, सभी का सभी, यहाँ क्या, ये भी टू के, टू के आगे क्या निगेटिव है, इस टू के आगे भी क्या निगेटिव है, इस टू के आगे भी निगेटिव है, इस टू के आगे भी निगेटिव, तो क्या करना बाबू, सारे के सारे को ऐड कर देना, सारे के सारे को क्या कर देना, ऐड करना। तो 2 + 2, शांति से सुनो, अगर बाबू सभी नंबर अगर निगेटिव है बाबू, तो सभी नंबर को क्या करना, ऐड कर देना। तो 2 + 2 हाउ मच बाबू, 4, 4 + 2 6, और 6 + 2 कितना होगा, 8 होगा, 8 लिख देना, ठीक है। अब साइन क्या होगा बाबू, तो साइन क्या होगा, तो साइन बाबू माइनस दे देना, यदि बाबू सारे के सारे नंबर निगेटिव है, मतलब क्या बाबू, अगर कोई भी नंबर ऐड कर बाबू और एक से ज्यादा निगेटिव है, सिर्फ बाबू निगेटिव है, एक ये वो निगेटिव, दो वो निगेटिव, चाहे तीन वो निगेटिव, चाहे चार वो, चाहे पांच वो, तो सारे के सारे क्या करना बाबू, ऐड कर देना, ऐड कर देना, और साइन क्या दे देना, निगेटिव दे देना, ठीक। ठीक सर, ठीक सर, है ना? ठीक बाबू, ठीक है, आराम से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे बाबू क्या, -10 है सर, -20 है सर, -30 है सर, -40 है ना? तो इसको कैसे सिंपलीफाई करोगे, कुछ मत करना बाबू, सिंपली सा सीखो, है ना? सारे नंबर यहाँ निगेटिव में नहीं, इसके भी आगे क्या है सर, माइनस साइन है, इसके भी आगे माइनस साइन है, इसके भी आगे माइनस साइन है, इसके भी आगे माइनस साइन है, ठीक है, ठीक है सर। तो सभी का अगर माइनस साइन, तो इसको सारे के सारे क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 10 + 20 हाउ मच बाबू, 30, 30 + 30 कितना, 60, 60 + 40 100, 100। अरे शैतान इसको ऐड करो ना, 10 + 20 कितना, 30, 30 30 + 30 60, 60 + 40 कितना होगा, 100 होगा, 100 हो गया। अब माइनस साइन है बाबू, तो आगे में इसके क्या दे देना, माइनस कर देना, है ना, माइनस कर देना, ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, 29 नंबर, 29 नंबर है ना? जैसे बाबू क्या बाबू, 1 है, माइनस बाबू 1 है, माइनस बाबू 111 है, माइनस बाबू 4 × 1 है, ठीक है, और माइनस बाबू क्या है, मान लो 5 × 1 है ना, ठीक है। अब इसको करो बाबू सिंप्लीफाई करो, इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो सिंपल बाबू क्या, सभी की जगह माइनस है बाबू, सभी जगह क्या माइनस है, सभी जगह क्या माइनस है, तो अगर सभी जगह माइनस रहेंगे बाबू, ठीक है ना, तो उसको क्या कर देना बाबू, ऐड कर देना। तो सारे को साइड, सारे को ऐड करो ना, तो यूनिट प्लेस को यूनिट प्लेस के साथ ऐड करो, यूनिट प्लेस के साथ ऐड करो। तो यहाँ बाबू ये यूनिट प्लेस है, यहाँ पे 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 ये यूनिट प्लेस है ना? तो सारे यूनिट प्लेस को ऐड करोगे कितना होगा, 1 + 2 1 1 2 2 1 3 3 1 4 5 कितना होगा, 5 होगा, ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू टेंस को टेंस प्लेस के साथ ऐड करो, नेक्स्ट बाबू क्या करो, टेंस को टेंस प्लेस के साथ, एकदम जैसे शांति से बता रहा उसी तरह सुनो, ठीक है ना, ठीक है, एकदम शांति से सुनो, समझ में आ जाएगा, नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर रिश्ता नियन वो प्रखर नियन होते रहना कन्फ्यूजन, बताते कुछ है सुनती कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या करो, टेंस को टेंस प्लेस के साथ ऐड करो, तो ये टेंस प्लेस है बाबू, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है ना, यहाँ पे ये टेंस हो गया सर, यहाँ पे ये टेंस हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला टेंस हो जाएगा, यहाँ पे ये टेंस हो जाएगा, है ना? आगे टेंस प्लेस है नहीं है तो छोड़ दो। तो देखो कितना, 1 है, 1 + 1 + 1 + 1 कितना होगा, 4 होगा, ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू, अब इसको नेक्स्ट बाबू 100 प्लस वाला ऐड करो, तो यहाँ सर 100 प्लस है सर, यही ना 100 प्लस है बाबू, हाँ यहाँ 100 प्लस ये है और यहाँ 100 प्लस ये है, ठीक है ना शैतान मेरे, है ना, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है बाबू, और यहाँ 100 प्लस ये है, तो वो इसके बाद 100 है बाबू, इसमें 100 नहीं ना है, टेंस तक है ना, ठीक,
वन प्लस वन और प्लस वन हाउ मच बाबू, थ्री, वन वन थ्री हो गया। ठीक नेक्स्ट बाबू, थाउजेंड प्लस ऐड करो, ये बाबू हंड्रेड होगा ना सेतन मेरे, ये वाला हंड्रेड होगा ना, ठीक है सर ये वाला हंड्रेड होगा। नेक्स्ट थाउजेंड प्लस बाबू, तो यहाँ थाउजेंड यहाँ थाउजेंड, तो वन वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है बाबू, नेक्स्ट टेन थाउजेंड बाबू, टेन थाउजेंड, तो टेन थाउजेंड में वन है सिर्फ है, तो ये वन हो गया, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा बाबू, वन टू थ्री फोर हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव हो जाएगा ना। ठीक है, ठीक है बाबू, लेकिन सभी जगह माइनस है ना बाबू, सभी जगह माइनस है, तो रिजल्ट क्या दे देना, माइनस दे देना आगे। ठीक समझ में आया संजना? चलिए ठीक है बाबू, नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू ठीक है, जैसे क्या सर, माइनस बाबू वन हंड्रेड है सर, माइनस बाबू कितना है, माइनस बाबू कितना, फाइव हंड्रेड है ना, माइनस बाबू सिक्स हंड्रेड है, माइनस बाबू सेवन हंड्रेड है, माइनस बाबू एट हंड्रेड है ना। अब इसको कहेगा ऐड करना, तो सिंपल से क्या करो, सिंपली ऐड कर देना इसको, क्या सभी जगह निगेटिव साइन बाबू, तो सिंपली इसको ऐड कर देना। तो देखो ना, जीरो यूनिट प्लस पे जीरो जीरो जीरो, सारे जीरो यूनिट प्लस पे जीरो हो गया, टेंस प्लस पे जीरो 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 जीरो, तो जीरो हो जाएगा। अब हंड्रेड प्लस पे ऐड करो, तो एट और सेवन फिफ्टीन, अब फिफ्टीन और सिक्स ट्वेंटी वन, ट्वेंटी ट्वेंटी वन फाइव ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन। ठीक है, ठीक है सर। अब माइनस है ना, सभी जगह माइनस है ना बाबू, तो सभी जगह माइनस हो, तो यहाँ पे माइनस कर देना। अब राइट डाउन करो शैतान, जानवी समझ में आया बाबू? यस सर। हाँ बाबू, तो ये बेसिक क्लास है, इससे बेसिक नहीं हो सकता है। रिया समझ में आया बाबू? रिया बाबू यस सर। रिया नहीं आया बाबू? चले ठीक है। सानवी आपको? यस सर, मुझे भी समझ में आया। तो होमवर्क की थी सानवी? हाँ सर, मैंने किया था होमवर्क। अच्छा ठीक है, चेक कर लेंगे। लिखिए बाबू, लिखिए। तो एकदम ये इस बैच में बाबू एकदम बेसिक से शुरू किया, समझ समझ के पढ़ते चलते चलना है ना, धीरे धीरे यही जाकर टफ हो जाएगा। और कौन नहीं आया है? वो नहीं आया, आर्या नहीं आई है? प्रखर, ये प्रखर बाबू, यस सर, दखनी से वीडियो बंद किए, तो वीडियो बंद की हुई है। तो आपको अपना गलती समझ, प्रखर बाबू 22 नंबर 26 नंबर समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया सर, वही सर, वही डाउट हो गया था सर। सर उसके नीचे वाला सर समझ में आया, क्योंकि सर 100 और माइनस 2 सर, माइनस 100 और माइनस 200 साथ, तो सर समझ में आया, 200 के आगे जो माइनस का साइन होता है जो बड़ा होता है उसको लगा था, तो वो समझ में आ गया, लेकिन सर वो दोनों सेम थे ना, तो सर वो इसलिए समझ में आया। अंशु जी इतना मार मारेंगे ना आपको, नानी करता खाली। अंशु जी क्यों ऐसा कर रहे बाबू, रिमूव कर रहे हैं आपको? सर वो नहीं है, नहीं है, चला गया। आदित्री बाबू वीडियो ऑन कीजिए बाबू, आदित्री आदित्री बाबू। यस सर, ऑन कीजिए ना बाबू, आए हो बैठे हो इस काम से, वीडियो बिना वीडियो ऑन किए हुए। लिख लिया विश्वास? विश्वास बाबू लिखे बाबू? हाँ सर लिख लिया। ठीक है बाबू, इरेज कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। तो एक दो वो आपने बनाई है, अपने अपने से बनाई, तो वो खुद से बनाई है एक दो। ठीक है, 31 नंबर बाबू, माइनस बाबू वन टू थ्री फोर, माइनस बाबू फोर थ्री टू वन, माइनस बाबू थ्री टू वन बाबू, माइनस बाबू वन टू थ्री, माइनस बाबू टू थ्री, माइनस बाबू सिर्फ टू करो, तो इसको अपने से 32 नंबर बाबू, खुद करो तो
नेक्स्ट आप वेरिएबल ले लेते हैं माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्टीमेटली हमको इसी टाइप पे वर्क करना, अल्टीमेटली हमको इसी टाइप पे वर्क करना, ये सब तो रेफरेंस बता रहा है। 33 नंबर माइनस एक्स बाई जेड माइनस एक्स बाई जेड माइनस एक्स बाई जेड और माइनस एक्स बाई जेड, माइनस फाइव एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस फोर एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स रेज टू द पावर फोर और माइनस एक्स रेज टू द पावर फोर। सर फर्स्ट का आंसर आएगा सर माइनस 6024। ठीक है बाबू, बाकी आगे कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। माइनस टेन एक्स बाई जेड माइनस एक्स बाई जेड माइनस सिक्स एक्स बाई जेड माइनस टेन, सेकेंड का होगा माइनस थ्री एक्स। हाँ बाबू, आदित्य वीडियो ऑन कीजिए ना बाबू, मेरे क्यों बंद की हुई हो? सानवी ऑन कीजिए ना बाबू, सानवी 33 नंबर कैसे करना है? बता रहे हैं बाबू। देखो यहाँ क्या बाबू, सिंपल सा देखो, यहाँ नहीं कुछ है तो वन है तो इसको एक मानो, एक्स क्या के नहीं कुछ रहेगा तो उसको वन मानना, तो वन टू थ्री, तो तीन को एक्स हो गया तो थ्री एक्स हो गया, है ना बाबू, कितना हो जाएगा, थ्री एक्स हो जाएगा। x के आगे नहीं कुछ है बहुत, हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे, वन एज्यूम करेंगे, है ना। पहले लिखो फिर बताते हैं, समझाते हैं बाबू, समझाते हैं सर। हाँ बाबू बोलिए। सर आपने वहां पर दो बार 32 लिख दिया है, किस नंबर में बाबू? अच्छा ये क्वेश्चन नंबर बाबू, अच्छा ठीक सर, 31 से 32 दो बार। अच्छा ठीक, 33 34 सर, 33 का आंसर सर होगा माइनस एक। चलो सानवी ऑन कीजिए ना बाबू, तो इसमें कौन कौन से स्टूडेंट हमारे रहने वाले हैं? जानवी हो गया, दित्री हो गई, ये दोनों कंफर्म है, सानवी का वो भी आई हुआ करेगी बाबू, तीन को हो गया, संजना भी आएगी ही, चार गो हो गया, है ना। चलो आदित्य ऑन के, बाकी विश्वास का, विश्वास देखो कितना दिन आता है, कब कितना विश्वास बाबू, कितने दिन आओगे बाबू? विश्वास हाँ सर, कितने दिन आओगे बाबू? चलिए रिया भी तो रहेगी ना। अब बाबू समझाते हैं, आप लोग बना लिए बाबू तो ठीक है, अब हम आपको समझा रहे हैं बाबू, है ना, समझा रहे हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस एब्सेंट कौन है? कोई और नया स्टूडेंट था, पता नहीं, नहीं याद है बाबू सर। यस हाँ, यस उत्कर्ष, ठीक है ना, रिया, तीन को तो भलो है, रिया नहीं आई है, नहीं है रिया, वो रिया, वो आर्या बोलो, आर्या, सॉरी बाबू। आइए संजना, उत्कर्ष का क्या हाल चाल है संजना? सर पता नहीं, शिफ्ट हो रहा है शायद पटना में। हाँ बाबू शिफ्ट हो रहा पटना में, ठीक है। देखो बाबू क्या करना है इसमें, इसको बाबू आप लोग यूनिट यूनिट प्लस वाला ऐड करो, सिंपल सा सारे को ऐड कर देना, है ना, फिर साइन क्या लिख देना, माइनस लिख देना। तो देखो टू है सर यूनिट प्लस पे, टू और थ्री कितना, फाइव, फाइव थ्री एट, एट एक नाइन, नाइन वन एक टेन, और टेन अब फोर, फोर्टीन, फोर्टीन का फोर हो गया बाबू, कैरी वन हो गया। फिर टेंस प्लस पे आओ सर, यहाँ टेंस प्लस है बाबू, तो टू टू फोर, फोर टू सिक्स, सिक्स टू एट, एट और थ्री इलेवन, इलेवन वन बाबू ट्वेल्व, ट्वेल्व बाबू टू हो गया, कैरी वन हो गया, कैरी वन हो गया। हंड्रेड प्लस पे आओ बाबू, तो वन एक थ्री,
3 3 6 और 6 2 8 एक कैरी 9 1000 प्लस पे अब यहाँ पे कहीं 100 प्लस है बहुत नहीं ना 1000 प्लस पे 4 4 5 और 1 6 कितना आया आया था सभी को बाबू 6 9 2 4 समझना अब आते बाबू वेरिएबल में अब बाबू वेरिएबल में हमको मेनली यूज ये सब है बाबू ये सब तो बच्चा वाला चीज है ये सब चीज देखो क्या करना अब वेरिएबल में सीखो ये बाबू क्या एक रहे बाई रहे जेड रहे कुछ भी रहे हो तो इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं मतलब अल्फाबेट में जो भी एबीसीडी मिल जाएगा ना उसको क्या कहेंगे वेरिएबल कहेंगे वेरिएबल कहेंगे है ना और उसको ऐड कैसे करना जैसे सिंपल बाबू -2 -2 हाउ मच वी गेट फॉर स्टार्टिंग में क्या -4 है ना ठीक है तो इसको इसी तरह से ऐड कर देना वेरिएबल भी रहेंगे बाबू तो उसको क्या ट्रीट करना एज ए मान लो कि उसको सिंगल खाली एक्स की तरह ट्रीट करो बाकी उसके आगे जो रहेगा ऐड कर देना नहीं अरे शैतान इसके आगे कुछ नहीं मेंशन है तो हम लोग क्या समझेंगे इसके आगे क्या बाबू 1 है इसके आगे नहीं कुछ मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट 1 समझा जाता है ठीक है इसके आगे नहीं कुछ मेंशन है बाबू तो बाय डिफॉल्ट क्या 1 समझा जाता है कोई भी बाबू वेरिएबल जैसे एक्स लिखा हुआ है तो इसके आगे नहीं कुछ लिखा तो हम लोग क्या समझेंगे प्लस है प्लस के साथ क्या बाबू 1 है ये बाय डिफॉल्ट समझा जाता है ना ठीक है सर ठीक है इसके आगे कुछ नहीं बोलते इसको क्या समझेंगे 1 समझेंगे है ना 1 समझेंगे ठीक है सर अब बताओ बाबू 1 1 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 1 1 3 हो जाएगा ठीक है सर तो 3 कर देना शांति से सीखो बाबू सीख जाओगे कुछ नहीं इससे आसान कुछ है ही नहीं है ठीक है सर लेकिन 1 1 सिर्फ बाबू 1 -1 -1 -1 रहता -1 -1 रहता शांति से पहले देखो लिखना नहीं है अभी पहले सीख लो अगर ये सीख गए तो आगे आपका बहुत सारा चीज आसान हो जाएगा ये नहीं सीखे तो कुछ नहीं आसान होगा -1 -1 -1 ठीक है तो अगर -1 ऐड करते बाबू तो कितना होता 3 होता आप माइनस साइन है माइनस दे देता लेकिन क्या बाबू यहाँ एक्स भी है ना साथ में क्या है सर एक्स भी है ना बाबू तो क्या लिख देना एक्स भी लिख देना ठीक है ना बाबू यहाँ बाबू सिर्फ 1 रहता तब ना 3 लिखते लेकिन इसके साथ एक्स है ना तो एक्स भी लिख देना ठीक है और माइनस टोटल के टोटल माइनस है तो आगे क्या सिंबल दे देना माइनस दे देना ठीक है सर नेक्स्ट समझो विश्वास समझो बाबू इधर उधर क्यों कर रहे हो बाद में यही सब स्टूडेंट पूछेगा सर नहीं समझ में आया इधर उधर क्या कर रहे हो बाबू शांति से नहीं सुन सकते हो नेक्स्ट बाबू देखो बाबू क्या है वेरिएबल वाला समझ लो ठीक है ना कुछ नहीं इसमें ठीक है ना देखो बाबू आगे क्या बाबू यहाँ पे नहीं कुछ है मेंशन तो हम लोग क्या समझेंगे 1 समझेंगे यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है तो 1 समझेंगे यहाँ पे कुछ नहीं मेंशन है तो 1 समझेंगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या समझेंगे 1 समझेंगे ठीक है अब 1 1 1 1 कितना होगा बाबू 4 हो जाएगा -4 x ठीक है 4 हो जाएगा सर ठीक है सर और माइनस है सभी जगह माइनस है तो माइनस दे देना ठीक है सर और क्या था x स्क्वायर था ना बाबू सिर्फ बाबू -1 रहता माइनस तब ना 4 देते लेकिन इसके साथ क्या है x स्क्वायर है तो साथ में क्या दे देना x स्क्वायर दे देना मतलब क्या सर वेरिएबल का एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या जैसे नॉर्मल बिना वेरिएबल के रहेगा जैसे बिना वेरिएबल वाला सॉल्व करते ना उसी वेरिएबल वाला करना खाली लास्ट के उसे पूछे में जो वेरिएबल रहेगा उसको अटैच कर देना ठीक है सर नेक्स्ट आओ बाबू यहाँ देखो क्या वो x y z तो बाबू ऐड सब्ट्रैक्ट तभी करना बाबू जब सब में क्या है सेम टर्म है लाइक टर्म है आगे बताएंगे क्या होता है लाइक टर्म लाइक टर्म तो सब जगह सेम है ना बाबू यहाँ एक्स वाई जेड है सर यहाँ एक्स वाई जेड यहाँ एक्स वाई जेड यहाँ एक्स वाई जेड तो क्या गो यहाँ 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो तो टोटल कितना हो गया 4 हो गया ना बाबू 4 हो गया माइनस दे दो एक्स है वाई है जेड जेड दे दो है ना ठीक है सर यहाँ पे समझो बाबू यहाँ पे बाबू जानवी समझिए अदिति समझिए बाबू है ना लिखने का टाइम देंगे लिखना नहीं है ना समझो पहले देखो क्या यहाँ पे देखो इसको मान लो यहाँ एक्स नहीं रहता बाबू यहाँ एक्स रेस्ट पावर 4 नहीं रहता एक्स रेस्ट पावर 4 नहीं रहता सिंपली ऐड कर देते मान लो बाबू यहाँ पे अगर ऐसे रहता सर कैसे सर देखो -5 है सर ठीक है सर समझो अदिति यही ना आपको समझ में नहीं आ रहा था बाबू फिर से शुरू किए हैं सानवी बाबू फिर से शुरू किया आप लोग के लिए -5 है सर -4 है सर -6 और -1 है अगर बाबू यहाँ पे एक्स नहीं रहते एक्स रेस्ट पावर 4 नहीं रहता तो कुछ इसी तरह रहता -5 रहता सर -4 रहता सर -6 -1 तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा है देखो 5 5 4 कितना 9 और 9 6 15 16 हो जाता -16 हो जाता है ना ठीक है सर तो बाबू सिंपल सा जो कांस्टेंट है ना उसको ऐड कर दो तो 5 4 9 9 6 15 16 16 में कैसे माइनस और जो कांस्टेंट जो वेरिएबल है वो बगल में लिख दो वेरिएबल है जो बगल में लिख दो इसका रिजल्ट बताओ सोल्व के लिखे बाबा आप लोग लिखे समझ में आया जानवी यस सर ये मैंने बना लिया था हाँ बाबू आपको अदिति भी यस सर समझ में आया
हाँ तो बताओ 36 नंबर बनाइए। रिया बाबू समझ में आया? हाँ यस सर। हाँ बाबू तो ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ खाली एक्स वाई देख के डराया जाता है, कुछ नहीं, सिंपल सा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन बाबू वही है, सिर्फ लास्ट में क्या करना है एक्स वाई जोड़, एक्स वाई जेड जोड़ देना। बताओ 36 बताओ बाबू, बताए तो रिया 36 बताइए सर। -27xyz सर, -27xyz वही आंसर है। हाँ सन कितना होगा रिया बताए तो बाबू, ये दोनों गलती बोले, आप बताए तो रिया हो गया, बताइए ना रिया सर, बताइए ना सर, क्या बताना है? 36 बताना है। सर मेरा हो गया। कितना है 36 का? कितना है विश्वास? -27xyz। हाँ बाबू वही आएगा, ठीक है ना। अरे से सर मेरा भी हो गया। हाँ बाबू वेरी गुड, 10 11 11 6 17 17 10 27 तो -27xyz। समझ में आया प्रखर बाबू? किसमें भी डाउट है बाबू प्रखर, छोटा छोटा चीज में आपको डाउट होता है। चलिए ठीक है बाबू, अब कुछ होमवर्क दे देते हैं बना के लाने के लिए, बना के लाइएगा तो कुछ होमवर्क दे देते हैं। देखो पहले और कुछ और टाइप इसमें करवा देते हैं बाबू, कुछ और टाइप करवा देते हैं ना, जितना भी पॉसिबल टाइप है सब करवा देते हैं। आ इसको एक बार और पढ़ाएंगे, इसको बाबू एक बार और पढ़ाएंगे। कहाँ सर, कहाँ सर? एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबट्रैक्शन में पढ़ाएंगे, है ना? ठीक है ना, इस टाइप का एक बार आओ, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा बता देते ताकि आपको ध्यान रहे, है ना। नेक्स्ट बाबू 37 नंबर, जैसे बाबू क्या -6p है बाबू, -7p है बाबू, और -8q है बाबू, और माइनस बाबू 9q है। दिस इज द बाबू क्यू, दिस इज द बाबू 9। देखो अब यहाँ पे कैसे करोगे इसको समझो, 37 समझो शैतान, देखो 37 समझो, ये 6p है बाबू, ये 7p है, तो जो सेम रहेंगे ना वेरिएबल उसी को ऐड करना, p के साथ बाबू q ऐड नहीं कर देना। मतलब क्या बाबू समझो, यहाँ पे बाबू जैसे मान लो हमारे पास कितना है, 5 हाथी है, कितना बाबू 5 हाथी है, ठीक है, और प्लस 6 हाथी है, तो कितने हाथी होंगे संजना बताइए तो? 11 हाथी होगा, ठीक है, ठीक है सर, है ना। अगर यही पास बाबू हमारे पास 5 हाथी है, प्लस बाबू 6 क्या है, बैल है, है ना, 6 क्या बाबू बैल है, बैल मीन्स बाबू ऑक्स, तो कितने होंगे इसका बताइए तो, ऐड करोगे तो बताओ सानवी, कौन बताती है? 5 हाथी 6 बैल ऐड करेंगे तो कितना होगा बताइए ऋषिका, प्रखर बाबू बताइए। 11। आप बताओ प्रखर। सर मैं बोलिए सर क्या होगा, क्या बोल रहे सर? वो अनलाइक टर्म है सर, क्योंकि अनलाइक टर्म है। हाँ बाबू तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं तो ध्यान होगा। प्रखर कितना होगा बाबू, प्रखर बाबू बताइए ना। रिया बताओगे? रिया बाबू नहीं बताओगे? देखो शैतान, अरे बाबू जब भी ऐड करना रहे बाबू तो लाइक सेम चीज को ऐड करते हैं ना बाबू, यहाँ हाथी है यहाँ बैल बाबू, तो 11 11 ऐड कर दो तो 11 क्या लिखोगे, हाथी लिखोगे कि बैल लिखोगे, क्या लिखोगे? हाँ 11 हाथी लिखोगे कि बैल लिखोगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या लिखे सर, तो जब भी ऐड करेंगे बाबू तो सेम चीज रहेगा, उसी को ऐड करोगे ना, ठीक है, सेम चीज रहेगा बाबू, तभी ऐड करना 11 बाबू, अगर इतना ऐड करते तो 11 क्या लिखोगे, हाथी लिखोगे कि बैल लिखोगे, आपको पता नहीं है ना बाबू, तो ये ऐड नहीं होंगे शैतान, ये वाला ऐड नहीं होगा, डिफरेंट चीज बाबू, डिफरेंट स्पेसिफिक चीज ऐड नहीं होते।